क्या नाम है आपका? विमलेश देवी। विमलेश जी, जो शहीद हुए हैं वो कब शहीद हुए थे और क्या रिश्ता है आपका इनसे? मेरे पति थे। क्या नाम था इनका? रवि करण सिंह। कहाँ शहीद हुए थे? कारगिल युद्ध में। टाइगर हिल पे। कब शहीद हुए थे? 4 जुलाई 1999। सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिली या फिर कुछ ऐसी सुविधाएं जो सरकार देती है, क्या वो आप तक अभी तक मिल पाई हैं? सारी सब कुछ मिलेंगे मुझे। जो युद्ध का समय था उससे दिन से लेकर और आज के दिन, किस तरह की जो भावनाएं हैं, किस तरह का समय आपने व्यतीत किया है? ठीक किया है। छोटे छोटे बच्चे थे, बेटी 2 साल की थी, बेटा 1.25 साल का था। तो इतने लंबे सफर को आपने तय किया, संघर्ष किया इतना, तो क्या आज भी उनकी यादें आपके दिल और दिमाग में ताजा हैं? आती हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। गोविंद जी, जो शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में, वो क्या लगते हैं आपके? वो मेरे बड़े भाई थे। ये जो शहीद हुए हैं वो कब शहीद हुए थे और पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? 4 जुलाई 1999 कारगिल में टाइगर हिल पर शहीद हुए थे। सुबह के 4 बजे, संडे का दिन था, और 6 तारीख को हमें मालूम पड़ी थी रात के 11 बजे आर्मी द्वारा। 7 तारीख को सुबह ताकत आई थी और तब से अब तक देश के प्रति हमारी सहानुभूति है। और उनकी बेटी बीटेक कर रही है, उसकी अब भी स्कूल टॉप किया उसने, उसको भी आर्मी में जाने की अति इच्छा है। अगर बात करें उस दिन से लेकर और आज के दिन तक, तो किस तरह की जो भावनाएं हैं, किस तरह की याद है जो आज भी आपको ताज़ा करती है, किस तरह का माहौल था? जो यादें 99 में थी वही आज भी ताज़ा होती हैं, उसी प्रकार की जो आज से 18 साल पहले थी उसी प्रकार की आज होती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेसिकली कहाँ कहाँ से? गांव हमारा नावली, तहसील माठ, जिला मथुरा में पड़ता है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था और ये आर्मी में जो ज्वाइनिंग है वो कब इन्होंने लिया था? इनका जन्म 20 मई 1969 का जन्म है। 29 अगस्त 1987 को भर्ती हुए थे। इनका सेंटर जबलपुर था। 18 गन्नेडियर में थे और ये श्रीलंका में भी रहे थे 1.25 साल, 1989 से 1990 तक। कारगिल युद्ध में ये कब माउंट उस पे जो टाइगर हिल पे पहुँचे थे? कारगिल में जो टाइगर हिल पे पहुँचे थे, इससे पहले इन्होंने कारगिल की 3 लड़ाई फतेह की थी। ये 99 में पहुँचे थे। 98 में इनकी श्रीनगर में पोस्टिंग हुई थी, श्रीगंगानगर से। तो अगर बात करें हम आपके भाई साहब जो शहीद हुए हैं, तो उन्होंने कितने दुश्मनों को मार गिराया था? जिस समय इनकी गोली लगने के बाद भी उन्होंने 6 दुश्मनों को मार गिराया था। गोली लगने के बाद में, गोली लगने के कितने देर बाद ये लड़ते रहे थे? लगभग 1 घंटे तक। 1 घंटे तक डटे रहे थे। साथियों ने बताया, इनके 2 साथी और थे, उनको भी गोली लगी थी। उन्होंने बोला सर आप पे भी गोली लगी हुई है। बोले मेरी फिक्र मत करो, आप नीचे जाओ।